नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बजाने मिरर और मैं आपके साथ अनिशा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के न्यूरोलॉजी विभाग ने आज एक जागरूकता रैली निकाली जिसमें कहा गया कि मिर्गी नहीं है ला इलाज। आइए आपको बताते हैं इस पे खास रिपोर्ट। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के न्यूरोलॉजी विभाग ने सोमवार को IMS ऑफिस से रैली निकाली। इस दौरान बैगनी बनारस अभियान के तहत सभी सीनियर जूनियर न्यूरोलॉजी विभाग के कर्मचारी और छात्र बैगनी टी शर्ट में अस्पताल आए और मरीजों को मिर्गी नहीं है ला इलाज का संदेश देते रहे। रैली को चंडी IMS निदेशक प्रोफेसर एस शंकवार ने दिखाया। रैली का नेतृत्व न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र ने किया। इस दौरान प्रोफेसर RN चौरसिया, प्रोफेसर दीपिका जोशी, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर वरुण, प्रोफेसर रोयान सिंह सहित कई चिकित्सक भी मौजूद रहे। भारत में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष भी 17 नवंबर को, मतलब कल था, तो कल हम लोगों ने विभिन्न जनपद के विभिन्न हिस्सों में हम लोगों ने ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। आज उसका ये यहाँ 18 नवंबर को आज यहाँ रैली निकाली जाएगी जिसमें चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक महोदय और सारे अधिकारीगण, न्यूरोलॉजी विभाग के सारे कंसल्टेंट्स, हम सारे रेजिडेंट PhD प्रोजेक्ट वर्कर्स, ये संदेश है कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव है। आपने देखा होगा पूरे दुनिया में मिर्गी के रोगियों के प्रति एक तरीके का घृणा है। लोग कहते हैं कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, और तमाम लोग जूता सुंघाते हैं, कोई लाश जो चिता जलती है उसके उसे रोटी सेके खिलाते हैं, कुछ लोग बंदर पालते हैं, कुछ लोग खटमल खिलाते हैं। तमाम ऐसी भ्रांतियां हैं मिर्गी के लिए और लोग डरे रहते हैं और इस तरह की भ्रांतियों से लोग जुड़ जाते हैं। तो इस जागरूकता के माध्यम से हम लोग पिछले 14 वर्षों से चिकित्सा विज्ञान संस्थान का न्यूरोलॉजी विभाग ये जागरूकता दिवस मनाता है और इसमें उन्होंने कैंपेन जो हम लोग चलाते हैं बैगनी बनारस, मतलब हमारा जो बनारस का जनपद है, अगल बगल के जो ज़िले हैं, करीब 17 ज़िलों में हमारा एक कार्यक्रम चलता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि बैगनी कलर जो होता है ये एपिलेप्सी अवेयरनेस का कलर है और इसके अवेयरनेस से लोग समझें, लोग चिकित्सक से मिलें, इलाज कराएं। दुखद पहलू यह है कि तमाम लड़कों के शादी मिर्गी आने पर टूट जाते हैं और कोई कहता है कि इसको भूत पकड़ लिया, कोई प्रेत पकड़ लिया, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मौलवी के यहाँ जा रहा है, कोई गिरजाघर जा रहा है। ये गलत भ्रांतियाँ हैं और इससे निकलना ज़रूरी है। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे दुनिया में चलाई जाती है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और पूरा जो नवंबर महीना है ये पर्पल डे प्रोग्राम, मतलब इसको अवेयरनेस, एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ कहते हैं। एक और जो नई चीज़ कल ही हुई, जो हमारे जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी हम लोगों से कॉन्टैक्ट किया और हम लोग जिला प्रशासन के साथ मिल करके जो चिकित्सक हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनको भी ट्रेन करेंगे कि मिर्गी कैसे पहचानें, लकवा कैसे पहचानें, इसका इलाज कैसे करें, और अगर कोई दिक्कत है तो इसके लिए टर्शरी सेंटर BHU ही है। तो ऐसे में सबको, हम लोग का जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सर, अगर अचानक से किसी को रोड पर मिर्गी आ जाती है तो लोग उसको लेज़र का सूज सुझाते हैं और उसके बाद देखा जाता है कि वो सही भी हो जाता है। अगर अचानक से किसी को ऐसे कोई झटका आ जाए तो वो क्या पहला ट्रीटमेंट क्या करें? देखिए, जो मिर्गी होती है वो अक्सर, मतलब 85% मिर्गी 30 सेकंड से कम की आती है। तो किसी को भी मिर्गी अगर आई और आपने अगर सड़क पर आया, आप उसको जूता सुंघाए, चाहे फूल सुंघा दीजिए या कुछ मत सुंघाइए, उसको होश तो आ ही जाना है क्योंकि 30 सेकंड ही रहता है और उसके बाद करीब 5-7 मिनट वो बेहोश रहता है। ये मिर्गी का गुण है। तो मिर्गी आने के पहले एक तो ऑरा आता है, मिर्गी के आने के पहले का आभास हो जाता है, फिर मिर्गी आती है और फिर उसके बाद से वो 7-8 मिनट में ठीक हो जाता है। लेकिन करना ये चाहिए कि आप अगर किसी को देखें मिर्गी आती है तो कोई भी बेहोश मरीज अगर आप देखें सड़क पर भी, चाहे मिर्गी का हो, एक्सीडेंट का हो, लकवा का हो, तो उसको करवट पहले लेटा दें। उसके शर्ट वगैरह अगर टाइट हैं, अगर कमीज़ टाइट, तो उसको थोड़ा ढीला कर दें। और सबसे पहला काम यह है कि उसको नज़दीक के चिकित्सालय में ले जाएं। जो लोग कहते हैं ठीक हो गई है, तो वो मिर्गी का गुण है कि वो लगभग 30 सेकंड की मिर्गी के बाद 5-7 मिनट आदमी बेहोश था, फिर ठीक हो जाता है।
लेकिन जब ये मिर्गी के एपिसोड्स बढ़ जाते हैं तो ये मौत का कारण भी बन जाता है।